झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में कुछ ऐसी सीट है जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हमेशा जीत दर्ज करते आए हैं, तो वही कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिन पर भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। रांची विधानसभा सीट पर सीपी सिंह ने तो खूंटी विधानसभा सीट से नीलकंठ सिंह मुंडा भाजपा के टिकट पर लगातार जीत दर्ज करते हुए आए हैं। इसके साथ ही कांके विधानसभा सीट पर वर्ष 2005 और 2009 में रामचंद्र बैठा, साल 2014 में जीतू चारण, जबकि 2019 में समरीलाल विधायक चुने गए हैं। ऐसे में बीजेपी ने रांची, खूंटी और कांके के सीट पर हमेशा जीत दर्ज कर परचम लहराया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो बरहेट, लीटीपाड़ा, शिकारीपाड़ा, डुमरी और सरायकेला सीट पर झामुमो का हमेशा से कब्जा रहा है। हालांकि इस बार सरायकेला से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नया चेहरा चुनावी मैदान में उतरेगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यहां से चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन अब वो झामुमो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं शिकारीपाड़ा सीट से अब तक नलिन सोरेन झामुमो की टिकट पर चुनाव जीते रहे थे, लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में दुमका लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में इस सीट पर भी नया प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने की संभावना है। डुमरी विधानसभा सीट से पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो साल 2005 से लेकर 2019 तक झामुमो की टिकट पर चुनाव लड़कर जीतते आए थे। हालांकि उनके निधन के बाद उनकी पत्नी ने उपचुनाव जीतकर विधायक बनी। वही बरहेट सीट पर साल 2005 से थॉमस सोरेन और साल 2009 में हेमलाल मुर्मू विधायक चुने गए, जबकि इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक चुने जाते रहे हैं। इसी तरह लीटीपाड़ा सीट से अब तक हुए चार विधानसभा चुनाव में झामुमो के ही अलग अलग प्रत्याशी चुनाव जीतते आए हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।